हमारे अतिथि की ओर से इंडिया बिफोर 1947 और इंडिया आफ्टर 1947 कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रमुख म्हणून लाभलेले आहे त्या म्हणजे ज्येष्ठ शिक्षिका टीचर जॉना गोन्साल्विस। वी आर अ कंट्री ऑफ वाइल्ड डायवर्सिटी एंड आवर यूनिटी मेक्स अस अ स्ट्रांग नेशन। From technology to agriculture, we are ranked among the top countries of the world. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। लेकिन हम दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल तो बन सकते हैं। लोग हंसते दो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन हंसेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। टुडे वी ऑल शुड टेक अ क्लीनलीनेस ओथ दैट वी विल नेवर डू डर्टी एंड नेवर सी एनीबॉडी डूइंग डर्टी। मित्रों, ये विचारधारा उन्हीं की हो सकती है जिसने अपनी सोच को इतना विस्तार में दिया कि संपूर्ण भारत ही परिवार हो गया, और इसी सोच को लेकर उन्होंने हमें आजादी दिलाई। आप बच्चों से भी मैं यही उम्मीद करती हूं कि आप जिस स्तर पर हो वही से कुछ ऐसा करोगी देश की प्रगति में आपकी भागीदारी होगी। The message for us is sometimes we Indian thinks ki mujhse jyada koi nahi janta hai. I am the god of everything. And that is the reason many times the independence of our country doesn't come. Because I think of my selfish motives and I forget about the country. Today the day has come when we have to look at our country, because if we are getting an independence, it was not because those leaders have thought about themselves. They thought about their country, sacrificed their ego and fought. रेहान शेख एक सी वन द ब्रॉन्ज मेडल।